Full stop. Can't believe I live in your thoughts. Please follow me. Think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo. Give up everything that I. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say गाइस। कल तो व्लॉगिंग नहीं कर पाए क्योंकि पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था हम लोग। वो सी प्लेन से आते ही, सी प्लेन से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो नॉर्मली फ़्लाइट वगैरह तो टाइम पे ही थी, पर सी प्लेन के लिए ऑलमोस्ट 3 आवर्स का वेटिंग था। और एक बार जब यहाँ आ गए तो काफ़ी थके हुए थे, इसलिए व्लॉगिंग नहीं किया कल, इसलिए आज शूटिंग करेंगे। और अभी मैं और अपनी किधर है मॉडल, अभी ये मॉडल और मैं गरीब आदमी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लेट ही हो चुका है, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है। और इधर खाने पीने के इतने ऑप्शन है ना कि थक जाएंगे, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम लोग तो अभी सोचा है फ्रूट्स और यही खाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी मॉल्डीज आओगे तो पानी बहुत पीते रहना। कल मैंने पिया नहीं था तो आज थोड़ा सा हैवी है, तो पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इधर तो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है तो इधर बग्गी लेना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अपने बड़ा मतलब बोले तो अपने पुणे के कोरेगांव पार्क से भी बहुत बड़ा है ये जगह, पूरा आइलैंड ही ले लिया ये होटल वालों ने। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. धूप कुछ ज़्यादा है इधर,
अभी हम लोग जा रहे हैं स्नॉकलिंग का स्पॉट देखने, फिर उसके बाद एक्चुअली प्लान अभी तो कुछ किया नहीं है, रूम पे जाएंगे फिर सोचेंगे क्या कैसा करना है। स्नॉकलिंग का इक्विपमेंट तो है रूम पे, अभी फ़िलहाल एक बार स्पॉट देख लेंगे तो डिसाइड कर सकते हैं कब आना है, कितने बजे और कैसे क्या करना है। देखते हैं यहाँ पे बाकी सब विलाज है, देखो ये बीच विलाज है आपने जैसा ही है रूम, बस बीच पे। अभी अपने अभी का एक्सपीरियंस का रिव्यू देने वाली है अपनी मॉडल, देखो। तो अभी हमने थोड़ा बहुत स्विमिंग किया, द वेदर इज एक्चुअली प्रीटी चिल राइट नाउ, बीच में थोड़ी धूप हो गई थी 12 बजे, फिर भी इट्स नॉट वेरी हार्ड। यहाँ पे पानी है इफ यू सी, तो यहाँ पे इट्स एक्चुअली शैलो होमी, सो वी थॉट वी विल प्रैक्टिस थोड़ा सा स्नॉर्कलिंग वहाँ पे। लाइफ जैकेट पहन के भी गया था फिर भी डर लग गया, क्योंकि वो वाटर करंट इतना स्ट्रांग है ना, वो ढकल रहा था मेरे को आगे आगे, बोला भाई इसके आगे रिस्कों को, देखने में पानी डीप नहीं लग रहा पर आगे का बोल नहीं सकते भाई क्या है। कल फिर वो स्नॉकलिंग का पहले ट्रेनिंग सेशन होगा, उसके बाद अगर अच्छा किया तो दे'ल टेक यू फॉर वो कुछ है उनका फिश टैंक डाइविंग वगैरह, तो देखते हैं। ठीक है, देखो बग्गी अभी चलाऊंगा अभी इसको, इनको पूछता हूँ इनके पास अगर रहेगा तो लेता हूँ चाबी और चलाता हूँ। ये देखो अभी अब तक इसका कुछ नहीं था, मैंने कैमरा निकाला और दो तीन शब्द क्या बोले लेकिन इसका चालू हो गया, दो मैं व्लॉगिंग करती हूँ। ले भाई बोल, जैकेट तुम्हारा हो गया तो लो करो, बोलो क्या व्लॉगिंग करती। अभी हमने थोड़ा सा लंच खाया है, थोड़ा सा थोड़ा ही खाया है, याकी ने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। वन क्विज, अभी कौन से वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं अपन? पैडल बोट, पैडल बोट में कायाकिंग, करेक्ट, एंड बाकी डिसाइड नहीं किया है मैं। कैप्टन जैक स्पैरो के फ्लाइट पे नहीं के शिप पे आपका स्वागत है। शिप? हाँ, ये अपनी शिप ही तो है। काफी अच्छा है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, बस धूप थोड़ी तेज है यहाँ पे, बाकी काफी ज्यादा तेज है एक्चुअली, आंखें भी खुली नहीं रख पा रहे, पर उसके अलावा तो पानी काफी साफ है, आप लोग भी देखो। इसको बोलते कायक, एक घर लेके जाने वाला, वो दुकान वाला बोला कि भाई तुम्हारी बॉडी एक नंबर है, लेके जाओ एक तुमको इंडिया में और एक ब्रांच खोलूंगा ओशंस की। यहाँ पे मेरे को जॉब ऑफर किया है, बोले बे वॉच ऑफ मालदीव्स, तो यहाँ पे अब मैं नया दुकान चालू करूँगा, तो आप लोग कभी भी मालदीव्स आए तो अपने ओशंस वाले दुकान पे ज़रूर आना, ये फ्रेंचाइज है ये। अभी कायक करने आए पर कुछ जम रहा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, लगता है वापस जाने में ही भलाई है, नहीं तो वाट लग जाएंगे। जम नहीं रहा है इसको, हाँ? पर कोशिश कर रहा है भाई, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, वो देखो निकल के बैठ गई है ऐसा ही। मुझे वीडियो लगाने के लिए बनाने के लिए लगाया है, नहीं तो मैं कर रही थी अच्छा खासा। Yes. साथी हाथ बढ़ाना, वर्क इट हार्ड, अच्छे से करो। कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे उसकी तरफ जाना है ना। I'm on vacation. अभी आ रहा है, अच्छा अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है, थक गया भाई लोग। अभी उन पत्थरों को धड़क के अपने टाइटेनिक डूबने वाली थी, अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और ये सामने बड़े टाइटेनिक को भी हम धड़कने वाले थे और बच गए।
कायाकिंग और वो क्या ना दूसरा पैडल बोट करके अभी थोड़ा थक गए। फिर ये लोग ने बोला कि यहाँ पे मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस ये वाली है, तो यहाँ पर आए। यहाँ पे लोकेशन तो अच्छा है। कब से हम लोग वो स्विंग खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे, अभी हो गया है, अभी उधर जा रहे हैं हम। अभी झूले पे बिठा दिया इसको, देखो जरा। एक्सप्लोर द बीच यहाँ पे, वहाँ पे तो काफ़ी वाइट कलर के क्या बोलते हैं उसे, क्रैब्स थे, केकड़े इन हिंदी बट क्रैब्स इन इंग्लिश, एंड देर वाइट कलर, वेरी स्मॉल वंस, यू कुडंट सी देम इन सैंड के अंदर। यू ऑल्सो सो जेली फिश विच जैकी हैज रिकॉर्डेड, बट या अभी तो यहाँ पे सनसेट हो चुका है एंड हियर इज द बिग पूल दैट दे हैव। यहाँ पे दे हैव अ रेस्टोरेंट कॉल्ड ईट्स एंड बीट्स, मोस्टली स्नैक्स एंड ऑल के लिए यहाँ पे है, बट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ इट इज नॉन वेज। योर कमिंग टू रेडिसन देन राहा इज अ गुड प्लेस। राहा इज अ रेस्टोरेंट वेर वी मोस्टली गो फॉर आवर मेन कोर्स मील्स, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ वेज ऑप्शंस एंड देयर फूड इज काइंड ऑफ लाइक दे ऑलवेज हैव इंडियन फूड ऑप्शंस एज वेल। डिनर जा रहे हैं, राहा में जाएंगे वही जो जहाँ कल गए थे। कल इंडियन फूड टेस्ट है, कुछ दिखाया नहीं, लेकिन आज इटालियन फूड है तो वो चेकआउट करते हैं। लेट्स गो। गाइस अभी डिनर के बाद हम लोग एक आरटीपीसीआर टेस्ट करने आए हैं और मेरा प्रेडिक्शन है कि ये मैडम बहुत ओवर एक्टिंग करने वाली है। अभी ये करते टाइम prediction test karte hain, dekhte 10 seconds tamam mom, please don't move for 10 seconds it will be very uncomfortable if you keep on moving, yeah. 10 seconds don't move mom, karun nahi panyata mujhe kya chahiye jo usse there nothing happened, you just overreacted. No. आज सेकेंड लास्ट डे और बहुत गड़बड़ हो रही है क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे और अभी 8 to 9 ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि 9 to 10 हमारा स्नॉकलिंग के लेसन्स है, फिर 10 to 11:30 एडवेंचर स्नॉकलिंग, फिर वापस आने के बाद देखते हैं कैसा क्या है, क्योंकि हम लोग सोच रहे कि थोड़ा टाइम स्पा के लिए भी जाए आज, तो स्पा के बाद फिर उस एक स्पेशल डिनर भी ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने खास इसके लिए, तो देखते हैं वो डिनर का एक्सपीरियंस भी कैसा है, वो भी शेयर करने का ट्राई करेंगे क्योंकि अंधेरे में इतना कुछ खास वीडियो बनता नहीं है और यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ 6 बजे के आसपास अंधेरा होना शुरू हो जाता है और 6:30 तक तो पूरा एकदम पिच डार्क हो जाता है। अब देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे फिर स्नॉकलिंग लेसन्स तो शायद मैं ना कर पाऊँ ब्लॉग क्योंकि अपने को भी कुछ आता नहीं, आधा टाइम तो उधर ही फोकस रहेगा, तो स्नॉकलिंग जब जाएंगे तब ट्राई करूँगा कि व्लॉग कर सकूँ, देखते हैं। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, लाइट ही ब्रेकफास्ट किया क्योंकि अभी स्नॉकलिंग करने जा रहे हैं, काफ़ी धूप तेज़ है, पहले ट्रेनिंग है फिर स्नॉकलिंग है, सो लेट्स सी, विल ट्राई टू शूट सम फुटेज देयर एज वेल। ट्रेनिंग हो गई, मेरे को 10 मार्क्स मिले और इसको 3 मार्क्स, इसलिए अभी मेरे को लेके जा रहा, मेरे को उसने बोला कि मैं बिना लाइफ जैकेट के कर सकता हूँ पर ये ओनली विद लाइफ जैकेट, आई एम वेयरिंग इट नाउ लेटर आई विल रिमूव इट, तो अभी हमको लेके जा रहे हैं, देखो इधर ऐसा थोड़े 8-10 लोग हैं, सब कपल्स और सब हनीमून वाले ही है, तो अभी बोट पे बैठ के एक और वीडियो बनाता हूँ, आगे का देखते हैं। बैठा है डूब
करके आए हैं और जाकी को साइकिल चलाना था तो वी जस्ट केम टू द रिसेप्शन. ये एक्सप्रेशन उस इंसान का है जिसको फ्री में साइकिल मिली है. लेडीज है चला लेंगे अपने का इधर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. सुबह के 6:10 है और हम लोग आज 5 उड़ गए थे क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली हमारा लास्ट दिन है. तो चेकआउट के लिए रुके, वो लोग अभी बग्गी वगैरह भेजेंगे, उसमें हमारे बैग रखेंगे. आ ही गए शायद. चलो hey guys. जब भी हम लोग निकल रहे थे तभी आ गया एकदम. जब शूट करना जस्ट स्टार्ट ही किया और आ गया. यहाँ पे 6 का सी प्लेन ट्रांसफर है तो वहाँ से 7 का है. अच्छा अभी तो बस चेकआउट. हाँ चेकआउट 6 है, 7 ट्रांसफर है. वैसे तो फ्लाइट 12:30 है, बट लेट्स सी एयरपोर्ट पे कितना टाइम लगता है, कब पहुँचते.